अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। आज फिर हम टेनिस के लिए आए थे तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। चलो शुरू करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट वीक पे डिफरेंट डिफरेंट गेम प्ले करते हैं। समटाइम सेम भी होती है, समटाइम डिफरेंट डिफरेंट, ताकि इंटरटेनमेंट होती रहे और लोग बोर नहीं हो जाएं एक ही गेम से। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खेलते रहते हैं। तो अभी दो लोग उस साइड पे हैं, दो लोग इस साइड पे हैं, ठीक है। एज ए टू पार्टनर गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और फैमिलीज भी आती हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं। सबसे छोटा बच्चा है जो, वो ज़ियान है। तो ज़ियान का माशाल्लाह, जो मैं दिखाना चाहती थी, ये कितना माशाल्लाह एक्टिव है, कितना अच्छा प्ले करता है, इसके शॉट्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ मैं अपना ये व्लॉग भी शेयर करूं, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज़ है मैं चाहती हूँ वही मैं मोटिवेशन करूं, क्योंकि जो आप करते हैं उसके बारे में मैं आपको ही बता सकती हूँ। तो अपना दिन कैसे गुजारती हूँ, अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजरता है, तो उसके मैं डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी ईजी हो जाए, आपको एक वे मिल जाती है कि भाई हाँ हम भी ये कर सकते हैं। तो सर्दी होती है, लेकिन हमें जब प्ले करते हैं तो फिर हम नहीं सोचते कि भाई कितनी सर्दी है। कभी कभी तो हमें इतनी सर्दी लगती है कि लास्ट टाइम तक मैं वॉर्म नहीं होती हूँ। तो माशाल्लाह अब ये दो लोग जब दो पॉइंट पे जीत जाते हैं, फिर दूसरी साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी फिर दूसरे दो पार्टनर आएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ 40+ भी हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग हैं। तो इसी तरह आप सब लोगों की भी एक ज़ारी बात है, कम्युनिटी की सोसाइटी में लोग प्ले करते होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, या क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं खुद अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लब ज्वाइन करूँगी आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी। तब ये उधर से फिर हार के आ गए, तब दोबारा ये इधर से रिप्ले कर रहे हैं। मैंने जो लास्ट में ज़ियान का व्लॉग डाला था वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम थी, क्योंकि एक साइड पर सारे लोग थे, एक साइड पर सिर्फ ज़ियान था। तो ऐसा जो शॉट होते हैं ना, बहुत कम लाइफ में आते हैं। तो मैंने चाहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी आपको आगे मैं दिखाती हूँ, तो वेट एंड वॉच। क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को साथ साथ में गेम के बारे में बता दूँ, जब तक आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी ना तो वो मेरे को बता नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपनी गेम्स टेनिस का, तो फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ियान को माशाल्लाह सारे लाइक करते हैं, इसको एक्स्ट्रा शॉट भी देते हैं, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं कि इतना छोटा बच्चा हमारे साथ खेलने के लिए आता है। उसको फिर सब मोटिवेशन भी दे रहे होते हैं, मुझे भी कहते हैं मम्मी देखा मेरा शॉट्स देखा, और उसका डैडी भी हमेशा उसको सपोर्ट कर रहा होता है पीछे से, उसको ध्यान ऐसे शॉट करो, पीछे आओ, फॉरवर्ड बैक, और उसकी सही दौरे लगवा रहे होते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये तो मोमेंट और सेविंग होती है आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। एक साइड पे 8 लोग हैं, दूसरी साइड पे भी 8 लोग हैं, ठीक है। तो इस साइड पे एक पॉइंट जब जीत जाते हैं तो इस साइड पे एक बंदा और ज्वाइन करता है, और दूसरी साइड पे अगर वो लूज़ हो गया, ठीक है, फिर दूसरा बंदा आएगा इस साइड पे, फिर तीसरा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो लूज़ होते गए तो इस साइड पर गिनती बढ़ती जाएगी, अगर इस उस साइड पर वो विन हो जाता है, इस साइड पर लूज़ होते हैं तो फिर यहाँ से सारे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ज़ियान है इस साइड पे, उस साइड पे भी एक है। अगर अब ज़ियान विन होता है तो ज़ियान के साथ कोई एक ज्वाइन करेगा, अगर ज़ियान लूज़ हो गया तो नेक्स्ट उनके साथ एक बंदा ज्वाइन करेगा ज़ियान के साथ। वो देखो अब आउट हो गया, अब ज़ियान को दूसरा बंदा ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये गेम काफ़ी लॉन्ग भी चलती है, समटाइम 3 आवर्स भी चलती रहती है। अब ये बाहर आ गया, उस बंदे ने एक पॉइंट जीत लिया। अब ज़ियान का जो दोबारा मैंने छोटे छोटे शॉर्ट बना रही थी ताकि मैं ज़ियान को ही दिखा सकूं, क्योंकि सबकी मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ ना। तो मैंने चाहा चलो जो ज़ियान के ऊपर वीडियो उसी के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह काफ़ी लॉन्ग गेम खेली गई थी ये भी, लेकिन लास्ट में विन हुआ। ज़ियान बहुत एक्साइटेड भी हुआ था, इंजॉय भी किया इसने। तो अब इस साइड पर एक और बंदा, अब ये देखो ये 3 हो गया, ठीक है। अब उस साइड पर वो लूज़ हो गया, इस साइड पर बढ़ते जाएंगे 1 बाई 1 करके। तो अब उसका नेट के अंदर गया है, यहाँ पे अब चौथा बंदा ज्वाइन हो गया, ठीक है।
ताकि मैंने कहा आपको साथ साथ इजी है कि मेरा बताते रहना, तब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ज़ियान ने परफेक्ट गेम कैसे की। अब इस साइड पे एक बंदा और ज्वाइन करेगा, ठीक है, क्योंकि उस साइड पे लूज़ हो रहे हैं, तभी ये लूज़ हो गए सारे बाइट निकल के। फिर ज़ियान वापस आया, उसने उधर से पॉइंट किया, लेकिन ये मेरा फेवरेट पार्ट है। एक साइड पे ओनली ज़ियान है, दूसरी साइड पे उनकी पूरी टीम, 8 लोग गेम के अंदर है। अगर ज़ियान यहाँ पे लूज होता तो वो गेम अगर हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इतने ज़्यादा लोगों के सामने बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और वो भी स्पोर्ट जो प्रोफेशनली खेलते हैं क्लब के अंदर, तो उनके साथ बच्चे कैसे खड़े हो सकते हैं। ये अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में आपको रखना पड़ता है ताकि बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करें। जहाँ बच्चे आपका कॉन्फिडेंस लूज है, वो कहीं से मैदान में भी खड़े नहीं हो पाते। तो ये माशाल्लाह मेरे बच्चे में है, तो दुआ में याद रखिएगा। फिर हम घर की तरफ गए और साथ वेदर बहुत अच्छा हो गया, धूप भी निकल आई है साथ ही, ये देखो पार्क भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।